प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। आज हम लोग संत रैदास का जो कविता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका व्याख्या पढ़ेंगे। और इस कविता में रैदास जी भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाए हैं। ये प्रसंग हो जाएगा। आइए देखिए, कविता को देखा जाए। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम चंदन की भांति हो और हम पानी के भांति हैं। जिस तरह से चंदन अगर पानी में मिला दिया जाए तो वह पानी सुगंधित हो जाता है, पानी का हर एक कण कण सुगंधित हो जाता है, उसी तरह से जाकी अंग अंग वास समानी, मतलब उसी तरह से हमारे अंग अंग में तुम्हारे इस चंदन रूपी सुगंध जो है समा गया, हमारे अंग अंग में इस चंदन रूपी सुगंध समा गया है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और हम पानी के समान हैं। जिस प्रकार से चंदन को पानी में मिला दिया जाता है, पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे आशीर्वाद का सुगंध जो है हमारे अंग अंग में समानी मने समा गया है, हमारे अंग अंग में व्याप्त हो गया है और तुम्हारा ही सुगंध मेरे शरीर से निकल रहा है, मने तुम्हारे सुगंध से हमारा शरीर सुगंधित हो रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं कि हे प्रभु, तुम घन के समान हो। घन माने क्या होता है? बादल। तुम किसके समान हो? बादल के समान हो। और हम वन मोरा, हम वन में मन वन के मोर के जैसे, हम जंगल के मोर के समान हैं। यानी कि मोर जो है घन को यानी बादल को देख करके नृत्य करता है। अर्थात ये कि मोर का सारा क्रियाकलाप ये घन को बादल को देखकर ही होता है, उसी तरह से मेरा सारा क्रियाकलाप तुम्हें ये देख करके होता है। मतलब तुम घन यानी बादल के समान हो और हम मोर के समान हैं। जिस तरह से मोर बादल को देख करके आनंदित हो जाता है, उसी तरह से हम तुम्हें देख करके आनंदित हो जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, या फिर तुम जो है चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर के समान हूँ। जिस तरह से चंद्रमा निरंतर चकोर को, चितवत मन होता है देखना, चितवत मन क्या होता है? देखना। तो जिस तरह से चकोर हमेशा चंद्रमा को निहारता रहता है, चंद्रमा को देखता रहता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं भी तुमको हर क्षण हर समय देखता रहता हूँ। तीसरी पंक्ति देखिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक के समान हो और हम बत्ती के समान हैं। बाती मैंने बत्ती। तुम दीपक के समान हो और मैं बत्ती के समान हूँ। और तुम्हारी ही ज्योति मैंने तुम्हारे दीपक की ज्योति, जाकी ज्योति मैंने तुम्हारे दीपक की ज्योति, बरे दिन राती मैंने दिन रात मैंने हमारे शरीर में दिन रात तुम्हारे इसी दीपक का प्रकाश फैला हुआ है और तुम्हारे इसी दीपक के प्रकाश से हमारा पूरा शरीर प्रकाशित है, हमारा पूरा हृदय प्रकाशित है। ठीक है, आगे देखिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं धागे के समान हूँ और तुम मोती के समान हो। जिस प्रकार से बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कीमत नहीं होता है, उसी तरह से मेरा कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम मोती के समान हो, मैं धागा के समान हूँ। जब तुम धागे में गुथ जाते हो तो मेरी कीमत बढ़ जाती है, यानी कि मेरा अस्तित्व व्याप्त हो जाता है। और हमारे और तुम्हारे मिलने से जिस तरह से सोना और सुहागा, सोना में सुहागा जब मिल जाता है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, उसी तरह से जब तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मेरी कीमत बढ़ जाती है। अर्थात ये कि मेरा अस्तित्व केवल तुम्हारे से है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए।
अंतिम पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और हम तुम्हारे दास, हम तुम्हारे नौकर हैं। और यह रैदास जो है ऐसी ही भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं कि रैदास जो है इसी प्रकार की भक्ति करता है, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, इसी तरह की भक्ति यह रैदास करता है। तो यही इसका अर्थ है और बहुत साधारण सा अर्थ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इसके काव्यगत सौंदर्य की बात अगर हम करें तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि पहले तो ये लिख सकते हैं कि एक पॉइंट यह लिख सकते हैं कि इसमें कि भक्त और ईश्वर के संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। भाषा आप लिख सकते हैं कि ब्रज मिश्रित खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं छंद जो है, आप मुक्त छंद का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मुक्त छंद है, ठीक है। उसके बाद से अगर शब्द शक्ति की बात है तो शब्द शक्ति आप लिख देंगे कि लक्षणा है। और गुण की बात है तो गुण आप लिख देंगे प्रसाद गुण है, ठीक है। और अगर अलंकार की बात है तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग ज़्यादा किया गया है तो रूपक अलंकार लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस तरह से आपका ये काव्य वाला पोर्शन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग अब तक वीडियो को देखें इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि गद्य का, काव्य का, संस्कृत का और व्याकरण का, शब्द रूप, धातु रूप, हर एक चीज़ का वीडियो क्लास 9th का, यूपी बोर्ड का मैं बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, मेरे चैनल से पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में बिल्कुल पाठवार क्रमबद्ध तरीके से गद्य, पद्य और संस्कृत का अलग अलग फोल्डर बना करके मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हों।